हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको लेके आया हूं देवभूमि द्वारका में। देवभूमि द्वारका नगरी गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, जहां पर ओखा टाउन से बेट द्वारका को कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं बेट द्वारका चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक आइलैंड के रूप में है, और यहां पर अभी तक कोई भी रोड कनेक्टिविटी नहीं प्रदान की गई थी। अब यहां पर केबल स्टेट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिससे द्वारका और बेट द्वारका के बीच में रोड के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा इस ब्रिज का निर्माण किस तरह से किया गया है और यहां पर इसका निर्माण कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर लेके चलता हूँ ओखा से बेट द्वारका फेरी सर्विस पर। हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु श्री कृष्ण की नगरी में दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर फेरी सर्विस और बोट ही एकमात्र कनेक्टिविटी है ओखा से द्वारका के बीच में। इस ब्रिज के कंप्लीट हो जाने से ओखा से बेट द्वारका की 4 लेन रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी। द्वारका और बेट द्वारका का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर यहीं पर आए थे और इस नगरी को बसाया था। इसीलिए आज भी यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस ब्रिज के कंप्लीट हो जाने से यहां पर लाखों श्रद्धालुओं को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ ओखा और बेट द्वारका की इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया गया है। आप यहां पर सी में बार्ज को देख सकते हैं। यहां पर इसी बार्ज को स्टेबल करके, वाटर में स्टेबल कर यहां पर मशीनरी को शिफ्ट किया जाता है और मशीनरी के थ्रू ही यहां पर कंक्रीटिंग या फिर दूसरी एक्टिविटी को रन किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से डेक प्लांक को पहले से प्रीकास्ट किया जाता है और फिर प्रीकास्ट स्लैब को यहाँ पर स्टील गर्डर में प्लेस करने के बाद में उस पर कंक्रीटिंग की जाती है। ब्रिज के मेन स्पैन में यहाँ पर स्टील गर्डर का यूज़ किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से स्टील गर्डर और कंपोजिट डेक स्लैब का यूज़ करते हुए यहाँ पर मेन स्पैन का कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मिड स्पैन का काम पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है और इसे केबल्स के साथ में स्ट्रेस्ड कर दिया गया है। इस ब्रिज में टोटल 900 मीटर का केबल स्टेट पोर्शन है, जिसमें से मिड पोर्शन 500 मीटर लॉन्ग है, जो कि अब तक का इंडिया का लॉन्गेस्ट स्पैन है। और इस स्पैन को स्टेबल रखने के लिए यहां पर 130 मीटर हाइट के 2 पायलन का कंस्ट्रक्शन किया गया है और केबल्स की मदद से यहां पर डेक को पायलॉन से कनेक्ट किया गया है। चलिए अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ ब्रिज पर और यहाँ पर कितना काम हो चुका है और ब्रिज में क्या क्या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और कौन से न्यू फीचर को और फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है। अगर यहाँ पर ब्रिज के टोटल लेंथ की बात करें तो ब्रिज की टोटल लेंथ 2.320 मीटर है, जिसमें से 209 मीटर का अप्रोच रोड भी शामिल है। ब्रिज का निर्माण यहाँ पर 4 लेन में किया गया है, जिसकी विड्थ यहाँ पर 27.20 मीटर रखी गई है और पेडेस्ट्रियन के लिए यहाँ पर फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.50 मीटर के फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन दोनों ही साइड में किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिक्सिंग का काम और पेंटिंग का काम अभी चल रहा है। इन्हीं फुटपाथ शेड्स के ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा, जो 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, जिसका इस्तेमाल इस ब्रिज में लाइटनिंग करने और बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ओखा टाउन के लिए होगा। इस ब्रिज के सीनिक व्यू और टूरिस्ट को देखते हुए यहाँ पर इस तरह की व्यूइंग गैलरी का कंस्ट्रक्शन किया गया है और ब्रिज में 12 जगह पर इसी तरह की व्यूइंग गैलरी का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जहाँ पर टूरिस्ट खड़े होकर सीनिक व्यू का आनंद ले पाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रिज के मेन पोर्शन में, केबल सेगमेंट पोर्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से केबल्स का यहाँ पर डेक एंकर के साथ में कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया गया है। और आप आगे की तरफ जाने पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज के मेन डेक का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्रैश बैरियर और कुछ मिसलेनियस एक्टिविटी का काम बचा हुआ है।
इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अक्टूबर 2017 में रखा गया था और मार्च 2018 से यहां पर कार्य शुरू हुआ था और इस साल के अंत तक ब्रिज को कम्यूटर्स के लिए ओपन करने की योजना रखी गई है और इस ब्रिज को बनाने के लिए 978 करोड़ रुपीस की लागत आई है। इस ब्रिज का डिज़ाइन और थीम श्री कृष्ण से इंस्पायर रखा गया है। यहाँ पर डेकोरेटिव लाइटिंग से लेकर ब्रिज के मेन पायलोन में यहाँ पर मोर पंख की आकृति को उकारा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कलर किया जाना इसे बाकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।